ये मैंगो वाली इंस्टेंट जो रसमलाई है वो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है और बहुत ही जल्दी ये बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को देखिएगा। मेरे घर में मेहमान आने वाले थे तो मैंने इन्हें बहुत ही क्विकली, बहुत ही इंस्टेंट और इजी वे में ये रेसिपी बनकर रेडी हुई है। तो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मैंने तो अपने मेहमानों के लिए ये रेसिपी तैयार कर ली है और आप भी इस वीडियो को देखिएगा और जब भी आपके घर में मेहमान आए तो इसे एक बार तो बनाकर से जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंगो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे क्रीम। क्रीम हमने ले ली है एक कप और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध। तो इसे हम गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे हम 4 चम्मच चीनी के। शुगर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितना आपको मीठा पसंद है। तो मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी के डाल दिए हैं। तो जब तक हमारा मिक्सचर वो गर्म हो रहा है तब तक हम ले लेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है और इसमें हम मिला देंगे दूध और एक घोल बना लेंगे। तो अभी हमारा जो दूध है उसमें एक बॉयल आ गया है, इसमें हम डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल और इसे 2 उबाल आने तक हम इसे गर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि इस तरह का हमारा जो घोल तैयार हो चुका है। तो इसे अभी हम बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट से 15 मिनट के लिए बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने कस्टर्ड का जो पतला सा घोल बनाया था ना वो अभी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने ले लिया है 1 आम की प्यूरी ली है मैंने और इसमें मैं ये घोल डालकर रेडी करूँगी। तो इस तरह से हम इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा रसमलाई की जो रस है वो रेडी हो चुका है। तो इसमें मैंने कोई भी फ्लेवर नहीं डाला है, सिर्फ मैंगो ही डाला हुआ है कस्टर्ड के बीच में और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो अभी हम ले लेंगे, तो ये मैंने ले ली है 1 कटोरी घर की बनी हुई मलाई जिसे हम बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच और आप चाहें तो अभी इसमें इलायची पाउडर जो है वो डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी क्योंकि इस तरह से 2 फ्लेवर हो जाएंगे मिठाई में तो हम नहीं डालेंगे इसमें। तो मलाई को मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो मलाई को मैंने फेंट लिया है और मेरे पास पड़ा हुआ था थोड़ा मैंगो का प्यूरी, तो मैं वो भी इसमें डाल दूंगी और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है और अभी मैंने ले लिए ये ब्रेड्स। ब्रेड को मैंने इस तरह से गोल साइज में काट लिया है, इसको बहुत ही अच्छे से हमने शेप दे ली है। तो टाइम कम था, मेहमान आने वाले थे तो मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी इसकी प्रिपरेशन की है। तो अभी हम ले लेंगे एक ट्रे। तो मैंने इस तरह, तो अभी हम ले लेंगे एक ब्रेड और इसके ऊपर हमने जो मिक्सचर बनाया है उसे इस तरह से डाल करके रेडी करेंगे और इसी के ऊपर हम ब्रेड का दूसरा स्लाइस रख देंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो इसी तरह से मैं सभी ब्रेड्स को मलाई लगा करके इस तरह से रखती जाऊंगी और इसके ऊपर मैं दूसरी वाली ब्रेड को प्रेस करके रख दूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सभी स्लाइसेस को रेडी कर लिया है। अब लास्ट इसका काम रह गया है, जो हमने रसमलाई के लिए रस बनाया था उसे इसके ऊपर पोर करने का। तो इस तरह से हम सारी ब्रेड्स के ऊपर इसे पोर कर देंगे और ये हमारी मैंगो रसमलाई बनकर रेडी हो गई। तो हमारी क्विक वाली रसमलाई बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे इंस्टेंट में जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो डाल दें इसके ऊपर। तो
अच्छे से डेकोरेट भी हो जाएगी। मेरे पास गुलाब के पेटल्स पड़े हुए थे तो मैं वो भी थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दूंगी। तो आप देखोगे कि बहुत ही डिलिशियस लग रही है। जब तक मेहमान आएंगे तब तक मैं इसे ठंडा भी कर लूंगी। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चेरी। तो आप देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी मैं इसे डाल दूंगी फ्रिज में ताकि ये झट से ठंडी हो जाए और मैं मेहमानों को सर्व कर सकूं। Thank you.